अरे भाई उधर कसो ना, कहाँ जगह है? अरे बहुत जगह है। सही जगह है? अरे बहुत जगह है। सही जगह है? बहुत जगह है। अरे कहाँ जगह है? बहुत जगह है यार, जाओ भाई। से देख रहा हूँ धक्का मार रहे हो। मन करो भाई। अरे भाई बहुत जगह है वहाँ पे, धक्का मार रहे हो। मन करो तो इतनी बार समझाया फिर भी धक्का मार रहे हैं। अरे यार जान दो भाई, तुम्हारे से बात ही नहीं करने जान भाई। धक्का मारिएगा मत अब। अरे भाई जगह है, बोला तो सही तुम्हारे को। आपको देख रहा हूँ कब से, अभी आप धक्का मारे जब कुछ नहीं। बच्चा नहीं हो, समझ रहा हूँ सब। हाँ सब समझो। समझे? हाँ समझो। अपने घर पे बताना ये सब दादा की। तुम भी दिखाना घर पे। हाँ मेरे को मत दिखाओ। अरे धक्का मार रहा है यार। अरे तो पब्लिक है, धक्का तो लगेगा ही ना। हाँ तो पाँव पर भी पैर रख रहा है तो गाड़ी ब्रेक गाड़ी में गाड़ी में ऐसी कैसी बात कर रहे हो भाई? जान बुझ के मार रहा है धक्का। नहीं आए हो क्या गाड़ी में बैठना है? हद की बात मत करो भाई। हाँ समझा, तुम समझो। बीवी से लड़के आए हो क्या? अरे बीवी शादी होगी तो बीवी होगी ना। तो शादी कैसे होगी तेरे जैसा आदमी से? तो तेरे तुम्हारे को मालूम है कैसी होगी, जाओ भाई। तो गाइस मैं नवसारी पहुंच चुका हूँ। देखिए बस यहाँ पर अभी हमको लगभग एक घंटे के अंदर नवसारी पहुंचा दी। अभी इधर व्लॉगिंग कर रहा हूँ। क्या हुआ, क्या बोल रहा था भाई तुम? क्या हुआ भाई? अरे यार पटाउट हो गया तुम्हें? क्या पटाउट हो गया? वो अंदर इतना चिल्ला चोट कर रहा था भाई, ऐसा नहीं चलेगा भाई। भाई तुमने देखो मेरी अंदर भी व्लॉगिंग खराब की और अभी भी तुम व्लॉगिंग। भाई तो ऐसा तो भाई ऐसा काम ही मत करो ना भाई। तो देखो आपको दिख रहा था कि कैमरा चालू है मेरी व्लॉगिंग। तो मेरे को थोड़ी मालूम, मैं हाथ पकड़ के खड़ा हुआ था भाई। रुक जाओ भाई, भाई बस रुक जाओ। अरे नहीं हो भाई, रुक जाओ। भाई ने क्या क्या दिख रहा था सबके सामने बोल दिया भाई, ऐसा थोड़ी चलेगा भाई। जरा तुम देख बोलो ना, तो जरा देख दिखा के बोला करो सबके सामने क्या क्या बोल रहे। शादी नहीं होगी, आपको भी देखना चाहिए था वहाँ पे कैमरा चालू था। अरे तो क्या देखना चाहिए था, तो तुम्हें बोलने से पहले तुम देख नहीं सकते थे क्या? तुम यहाँ पे भी अब मेरे को डिस्टर्ब करोगे? अरे क्या भाव है साथ में, ऐसे बोलते हैं। मेरी वीडियो डिलीट कर भाई। भाई वीडियो डिलीट नहीं। अरे भाई अरे साथ में बात में कुछ नहीं। मेरा कंटेंट है भाई। भाई तुमने बहुत गलत गलत बोले ले, मेरे अम्मी अब्बा देखेंगे मेरे को खाली गोटा गर्म हो गया। मेरे वीडियो डिलीट कर। आप इतने फेमस भी नहीं हो गए आप भाई, तो मेरे को होना भी नहीं है, मेरे को होना भी नहीं है, समझे ना भाई, मेरे को होना भी नहीं है। डिलीट करो मेरी वीडियो। तो भाई तो साथ है, तो ऐसे इंसान के साथ में घूमते हैं जिनको बोलने की तमीज नहीं है। अपने साथ है भाई, छोड़ो। अरे हाथ मत मिलाओ यार, डिलीट करो भाई साथ में। मैं कुछ नहीं जानता। चलो वीडियो डिलीट कर दो भाई, भाई कर दो। चलो भाई जरा दे भाई, ले कर देता हूं। हां भाई कर दो। तो क्या है तेरे तेरे, तू कोई फेमस सेलिब्रिटी नहीं है। मेरे को बनना भी नहीं भाई। फेमस सेलिब्रिटी मेरे को बनना भी नहीं। वीडियो में आके तू वायरल कर देगा, मेरे को बनना भी नहीं। हां बता रहा है वीडियो डिलीट करो। ये था वीडियो डिलीट करना भाई, तो ज्यादा कर दो भाई, कर दो। चलो कर दो, मेरे को वीडियो डिलीट करो। दूर उड़ रही है बहुत ज्यादा। अरे रोड के बीच में तमाशा कर रहा है। अरे क्या तुम तमाशा कर रहे हो? अरे यार कर दो यार, सही डिलीट कर दो यार भाई, समझा दियो भाई। एक आधी बस चेंज आ रही है, देखो मेरी बद्दुआ से। हां तो मेरे पीछे चल जाएगा, हट जाएगा। तू कार पे ज्यादा आने की कोशिश मत कर भाई। तू देख तू कार पे आ जाऊंगा ना, मैं बहुत खराब बोलूंगा। धक्का मार के मेरा लोग खराब करेगा तू। क्या धक्का मार रहा है? क्या धक्का मार रहा है? देख देख भाई, कूलर मत पकड़, देगा टच मत, भूल से भी टच मत करियो, समझा ना भाई। तू अरे वीडियो एडिट कर मेरा भाई, गाड़ी आ रही है, वीडियो एडिट। तू इसको समझा यार, काम करो साइड सर। ये सारा कैमरा भी चालू होगा अंदर, पहले वीडियो डिलीट कर, बाद में साथ में बात में सब कुछ। पहले वीडियो पता नहीं यार ये लोग इतने झगड़ा कर रहे हैं, मेरे निकलो भी अभी तक के भाई। वो रजा भाई मेरी वीडियो गंदे गंदे क्या क्या बोले ला। ले 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 डिलीट कर दो, हां कर भी कर कर डिलीट। हां साथ में झगड़े कर रहे हैं यार, झगड़े नहीं डिलीट कर भाई। दिमाग की वाट लगा रहे हैं। अरे क्या दिमाग की वाट लगा रहे हैं, काम ही ऐसा नहीं करने का। तो दोस्तों वो स्टूपिड ने वीडियो डिलीट मारने उसको कैमरा दिया था मैंने लेकिन वो स्टूपिड को कैमरा उसके हाथ में दिया तो वो नारियल जैसा पकड़ रहा है, नारियल जैसा पकड़ लेता कैमरा। उसको कैमरा पकड़ने का भान नहीं था और वो मेरा वीडियो डिलीट मार रहा था। तो एक्चुअली वीडियो को डिलीट नहीं हुआ, रिसाइकल में चला गया था और वो उसको लगा के वीडियो डिलीट हो गया। बाकी मैं ये डालूंगा क्योंकि उसने अच्छा नहीं किया था, क्योंकि मेरा व्लॉग खराब किया है, पूरा व्लॉग खराब किया था गाइस उसने, और मेरा मूड की भी वाट लगा दिया था। मैं खराब कर दिया था उसने, ऐसे लोगों को हाईलाइट करूंगा। देखिए ऐसे हमारे सन की लोग इंडिया में बहुत पाए जाते हैं, तो इनसे सावधान रहे, सतर्क रहे। आप एक ढूंढोगे तो ऐसे 10 मिलेंगे, लेकिन आज वो सन की मुझे भी मिल गया, आज वो भाई को भी मिल गया भाई, वो सन की। पूरी मेरे 2 साल के यूट्यूब करियर में पहली बार ऐसा हुआ जो मेरे को ऐसा सन की मिला और उससे मेरी झगड़ा हुआ।
ये तो नॉर्मली मेरा स्वभाव बहुत शांत है, लेकिन उसने क्या है मेरे कैमरे बस इतनी हल रही थी पहले तो, और कैमरे को उसने देखा भी नहीं, ऐसा धक्का मक्का मार रहा था कि उसको वही चाहता ही था कमीना कि मेरा कैमरा टूट जाए, क्योंकि अमुक लोगों को ऐसा लगता है कि व्लॉगिंग व्लॉगरों से जलते हैं लोग, जलते बहुत है गाइस, तो ऐसा मत करो ऐसा, हाँ। ये अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि हम लोग भी गाइस मेहनत ही करते हैं, हाँ, क्योंकि इसके अंदर भी एक्चुअली एक तरीके की मेहनत ही होती है, बोलना होता है, कैमरा पकड़ना होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद एक वीडियो बनती है। थोड़ा आपका प्यार इसीलिए भाई को, भाई के चैनल को और ज़्यादा सपोर्ट करो, जितना आपने अभी किया है उससे डबल करो। और दोस्तों रज़ा का मैं लिंक मैं डाल दूंगा आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर चेकआउट करिए, रज़ा भी बहुत ही अच्छे व्लॉग बनाता है, काफ़ी मेहनत करता है अपने व्लॉग्स में, और स्पेशली मेरे को उसकी बोलने की स्टाइल बहुत अच्छी लगती है, मस्त बोल रहा है बंदा एकदम। बस सब मेरे मतिन भाई लोगों से सीखा है गाइस, मैंने इतना सब स्पीच देना, सब बोलना, कैसे बात करते क्या करते, तो चलिए स्टूडियो में और वहाँ पे थोड़ा देखते हैं अपने कैसा सीन है। तो गाइस फिलहाल हम स्टूडियो में कुछ पहुँच चुके हैं और ये छोटा विलेज टाइप है, और आइए दिखाता हूँ मैं आपको स्टूडियो जहाँ पर एस बी स्ट्रीट सब लोग, मतलब सूरत के जितने भी रैपर हैं नवसारी के सूरत के, वो लोग यहाँ पर सॉन्ग अपना रिकॉर्ड करने आते हैं। तो ये देखिए बहुत ही बेसिक सा वो है, तो आइए मैं आपको आइए बता देता हूँ स्टूडियो। तो देखिए गाइस ये है स्टूडियो जहाँ पर सॉन्ग वगैरह मिक्स मार्क्स होते हैं, रिकॉर्डिंग होती है सॉन्ग की, और ये स्टूडियो के ऑनर ये रहे। तो भाई क्या नाम है आपका? विशाल। विशाल विशाल, तो दोस्तों इन्हें देख लीजिए, ये मिक्स मार्क्स करते हैं पूरे सॉन्ग का, और आपको बीट भी यही आदमी बना के देंगे, और आपको किसी बीट की कॉपी चाहिए तो उसकी भी सेम टू सेम बना के देंगे, और आपको पर्सनली आपकी बीट चाहिए उसकी भी बीट बना के आपको यहाँ पर दे देंगे। तो देखिए इनका कुछ इस तरह से सेटअप है, जो कि RGB सेटअप बनाया हुआ है इन्होंने, और ये बेस है नवसारी में। तो आपको पूरा एड्रेस बता दीजिए सबसे पहले। मेरा एड्रेस है नवसारी छापरा रोड डिवाइन स्कूल। अच्छा, तो दोस्तों इनका एड्रेस आपने सुन लिया होगा, और ओ माय गॉड दिस इज माय बडी रेहान। तो दोस्तों मैं जिसकी बात कर रहा था वो फाइनली दरवाजे से निकलकर हमारे सामने आ चुके हैं, और इन्हीं का सॉन्ग रिकॉर्ड हो रहा है। क्या नाम है रेहान तेरे सॉन्ग का? अभी नाम नहीं चूज कर ले भाई। अच्छा, तो अभी नाम चूज नहीं किया है, और इन्हीं का सॉन्ग यहाँ पर मिक्स होने वाला है जो के भाई हमारे करेंगे। और देखिए रजा भी बहुत थका हुआ है, यहाँ पर खड़ा हुआ है, अभी एक जो मिला था ना हमें उसके टेंशन में, देखो अगर इतना खतरनाक सर दुख रहा था, चाय वगैरह पी है, पानी पी रहे पानी। तो गाइस सेटअप स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पर देखिए और हमारे आईकस 04 भी रेडी है, और फिलहाल अब बूम बाम होने वाला है। बी रेडी ब्रदर, यू रेडी ब्रो? कांग्रेचुलेशन एडवांस, थैंक यू। जाइए एकदम अच्छे से गाइए, और अपने देश का नाम रोशन करिए। मेरा भाई पसीना पसीना हो चुका है, क्योंकि गाना गाना हर एक की बस की बात नहीं रहती है, सबको ऊपर वाले ने अलग अलग अपनी अपनी टेक्निक दी है जिसके जरिए इंसान अपना करियर बनाने जाता है, और मेरे भाई ने बहुत ही अच्छा गाना गाया है। थैंक यू ब्रदर। तो फिलहाल वो गाना अभी नहीं सुनने मिलेगा, रमजान बाद आपको ऑफिशियली क्या नाम है आयकत 04 पे आपको ऑफिशियली ये लॉन्च होने वाला है सॉन्ग, और नेक्स्ट लेवल सॉन्ग रहेगा जो कि आगे आपने देखे सॉन्ग में उससे भी हटके इस बार कोशिश और है, इम्प्रूवमेंट और किया है सॉन्ग में कुछ, और नेक्स्ट लेवल शूटिंग हुई है, तो आपको बेटर में बेटर देखने मिलेगा। तो डोंट फॉरगेट आईकल 04